नमस्कार, मैं हूं सुधीर दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 4 चरण पूरे हो चुके हैं और नेटवर्क 18 एक बार फिर से लेकर आया है एडिटर्स पोल, जहां पर मध्य प्रदेश की सियासत को करीब से जानने वाले वरिष्ठ पत्रकारों और विशेषज्ञों से हम जानेंगे कि आखिर लोकसभा का ये चुनाव किस तरह की दशा और दिशा तैयार करेगा, आखिरकार किस दिशा में चुनाव जा रहा है। वोटिंग परसेंटेज पर बात होगी, महिलाओं की भूमिका पर बात होगी, साथ ही उन मुद्दों पर भी बात होगी जो इनके नजरिए से इस चुनाव में देखने को मिले हैं। इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, जिन्होंने प्रदेश की सियासत को बहुत बारीकी से देखा है, बहुत करीब से देखा है। उनका सबसे पहले तारुफ कराते हैं। सबसे पहले धनंजय प्रताप सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। हमारे साथ गिरजा शंकर जी है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सियासत को बहुत करीब से देखा है, किताबें इन्होंने लिखी है सियासत को लेकर, और इनके जरिए भी हम जानेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव की वोटिंग हुई है वो क्या रही है। आनंद पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार है, मैनेजिंग एडिटर है द सूत्र के, वो हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मृगेंद्र सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, और साथ ही हमारे साथ मौजूद है दिनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार है, ग्वालियर चंबल की सियासत से खास वास्ता रखते हैं। तो कुल मिलाकर प्रदेश में जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, हर क्षेत्र के हिसाब से बारीकी से विश्लेषण हम लेकर आ रहे हैं और इसी को लेकर हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल गिरजा शंकर जी से करते हैं कि सर, मध्य प्रदेश में चुनाव हो गए, 4 चरण पूरे हो चुके हैं, वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा कम हुआ है, इसने सियासी दलों की चिंताएं बढ़ा दी है, कैसे आप सिनेरियो देखते हैं? देखिए, 4 चरण में सारे जो उनके 29 सीटें हैं उनका मतदान हो गया है, और जो चिंता की बात चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए हो, चाहे मीडिया के लिए हो या बाकी लोगों के लिए हो, कि इस बार तमाम कोशिशों के बावजूद वोटिंग का परसेंटेज 2019 के चुनाव की तुलना में कुछ कम हुआ है। कुछ सीटें हैं जहां पर ठीक ठाक वोटिंग हुई है, लेकिन कुछ सीटें तो ऐसी है रीवा जैसी कि जहां पर बहुत कम वोटिंग हुई है। अब वोटिंग कम या ज्यादा होने का चुनाव के रिजल्ट से बहुत कोई ताल्लुक नहीं होता। कई बार वोटिंग कम होने के बाद भी जो सरकार में जो पार्टी है उसको फायदा मिला है, कई बार वोटिंग अधिक होने पर भी उनको फायदा मिला है, लेकिन वोटिंग कम होने का जो कारण मुझे समझ में आता है वो गर्मी या शादी जैसे कारण मैं नहीं मानता। मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल जो पार्टी के वर्कर हैं, खासकर जो मैदानी वर्कर हैं, उनका मतदाताओं से जो कनेक्ट बनना चाहिए वो नहीं बन पाया। वो सोशल मीडिया के जरिए वो कनेक्ट बना रहे हैं, या उन जो बड़े नेताओं की जो बड़ी बड़ी रैलियां हुई, बड़े बड़े आम सभाएं हुई, उस पर ही वो केंद्रित रहे। यदि उनका कनेक्ट होता तो मैं समझता हूं कि वोटिंग का परसेंटेज इतना नहीं गिरता। दूसरी बात जो समझ में आती है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो अपने तरह से चुनाव के मुद्दे तय करते हैं और वो मुख्य तौर पर अपोनेंट को लेकर वो मुद्दे तय होते हैं, जनता को लेकर मुद्दे बहुत कम तय होते हैं। तो इस चुनाव में जो मुद्दे रहे वो उन मुद्दों में जो एक इमोटिव इशू होते हैं, जज्बाती इशू होते हैं, वो नजर नहीं आए। आम आदमी के जो सवाल हैं ये बहुत घिसे पिटे सवाल हैं, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये तो हर चुनाव में होता है, इस चुनाव में कोई नया थोड़ी है। तो लोगों को लगा कि चुनाव में जो मुद्दे हैं कंपेनिंग में हो रहे हैं वो उनको आकर्षित शायद नहीं कर पाए। कुल मिलाकर इन तमाम चीजों को देखते हुए लगता है कि वोटिंग के प्रति जो उत्साह दिखना चाहिए उनको वो उत्साह नजर नहीं आया। अब इस वोटिंग परसेंटेज के कम होने का जो नुकसान, मैं एक तरह लिहाज से इसको बीजेपी को देख रहा हूं, क्योंकि बीजेपी ने एक बड़ा अभियान चलाया था, हर बूथ में 370 वोट बढ़ाना है, उनके बूथ वर्कर, पन्ना प्रभारी, ये तमाम चीजें। तो ऐसा लगता है कि ये जो नेटवर्क है वो मुझे लगता है कि काम नहीं कर पाया। कांग्रेस ने कोई इस तरह की कोशिश की नहीं कि जिसमें लगे कि वो अपने वोट जो है वो बढ़ाना चाहती है। तो यदि इसका थोड़ा बहुत भी कहीं नुकसान यदि होगा वो शायद है कि बीजेपी को इसका नुकसान होगा। 370 वोट बढ़ाने की आपने बात कही थी, तो क्या जो आपने अभी बात कही थी कि कनेक्ट वाली जो बात थी उसका कहीं असर देखने को मिला, जो 370 जो वोट है वो नहीं बढ़े बूथ पर इस तरह से? जाहिर है कि वो यदि कोशिश जिसका अभियान बकायदा चलाया गया था, यदि मतदाताओं तक जमीनी वर्कर का कोई कनेक्ट होता तो वो 370 का वोट बढ़ाने का अभियान हमको मतदान में दिखता, मतदान में वो दिखा नहीं दरअसल।
तो ऐसा लगता है कि जो जो मैदानी वर्कर जो हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी के हो, किसी और पार्टी के हो, उनका उनमें वो जो उत्साह होना चाहिए था शायद उनमें ही वो उत्साह नहीं था, और जो अल्टीमेटली मतदाताओं के उत्साहहीनता में हमको देखने को मिला। उत्साह की बात करते हैं कि मतदाताओं में उत्साह नहीं देखने को मिला। आनंद पांडे जी से जानना चाहते हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की राजनीति को भी करीब से देखा है, इंदौर की हम बात करते, बहुत लंबा समय आपने गुजारा है, इंदौर की सियासत को आपने करीब से देखा है। जैसे कि गिरजाशंकर जी बता रहे थे कि ऐसे कुछ मुद्दे रहे, कनेक्ट का भी मुद्दा रहा, वोटिंग परसेंट घटा है, महिलाओं की वोटिंग कम हुई है, और इंदौर की भी अगर हम बात करें तो इंदौर का कोई इम्पैक्ट, जो घटनाक्रम हुआ अक्षय बम वाला, उसका कुछ इम्पैक्ट आपको लगा चुनाव पे? देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है सुधीर की, वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है तो आंकड़े बता रहे हैं, इसमें हमारे बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें देखिए, दोनों पार्टियां अपने अपने तर्क लेके आई हैं। कांग्रेस का तर्क ये है कि साहब ये तो जो वोट निकला है वो हमारा वोट है, बीजेपी का वोट नहीं है, है ना, इसलिए हमको इसका बहुत फायदा मिलेगा और इसका बीजेपी को नुकसान होगा। बीजेपी वालों से जब बात करो तो वो बोलते नहीं साहब, कांग्रेस के लोग तो मान के बैठे थे कि हमको वोट डालने जाएंगे तो भी उसका कोई फायदा तो हमको मिलना नहीं है, तो हम वोट ही डालने नहीं जा रहे, तो ये जो वोटर निकला है, जो भी निकला है, वो हमारा वोटर है। तो आज की तारीख में ये कह पाना, और इसका कोई पैरामीटर मेरे को लगता है किसी विशेषज्ञ के पास, किसी पत्रकार के पास नहीं है कि जो वोटर निकले थे वो किसके वोटर थे। एक चीज मेरे को यहां जरूर समझ में आ रही है कि बीजेपी की सीट कम होगी ऐसा, या बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा ऐसा फिलहाल तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, लेकिन एक बात ये जरूर है कि जो अंतर था, जो हार जीत का अंतर था पिछली बार, वो शायद कम हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपने इंदौर की बात की, इंदौर की बात करते, शंकर लालवानी वैसे बहुत लोकप्रिय पॉपुलर नेता नहीं थे, पिछली बार की बात कर रहा हूं मैं, जब पहली बार वो चुनाव जीते, लेकिन आप देखिए 5.5 लाख के आसपास वो चुनाव जीते थे वोटों से। इस बार हो सकता है वो 5.5 लाख से ना जीते, वो 2 लाख 2.5 लाख पे आ जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो है सीटें कम होंगी बीजेपी की, आई स्ट्रांगली डाउट। हाँ, उसमें जो अंतर सीटों का, वोट जीतने का और हारने का, वो कम ज्यादा हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, आपने ये बोला, देखिए आपको ये तो मानना पड़ेगा कि इंदौर बहुत जागरूक शहर है, हर तरह से आप देखेंगे वहां का आदमी, वहां का वोटर, वहां की जनता अपने अधिकारों को जानती है, और इसीलिए देखिए आप हम सफाई की बात कर रहे हैं या दूसरे तमाम मुद्दों की बात कर रहे हैं, इमोशनली कनेक्ट होता है, कनेक्ट हो जाता है वो। उसको ये लगा कि आखिर इसकी जरूरत क्या थी, और क्या जो आप वहां लोगों से बातचीत करेंगे तो वो डेरोगेटरी लैंग्वेज बोलते हैं कि क्या हम बेवकूफ समझ कर रखा है क्या हमको, क्या बीजेपी जो करेगी हम वही मानेंगे क्या, ये बात चल पड़ी। और इसके सिवा सुमित्रा महाजन जी जो वहां की कद्दावर नेता हैं, लोकसभा अध्यक्ष भी रही हैं, सारी कुछ बातें हैं, उनका एक प्रभाव है। जब उन्होंने भी उस बात को इंडोर्स किया और उन्होंने कहा साहब, तब फिर वहां नोटा वाली बात चल पड़ी पूरी कि नोटा पे हम वोट देंगे। लेकिन देखिए, नोटा पे भी अगर वोट देते हैं तो अल्टीमेटली मैं बोल रहा हूं, नोटा मान लीजिए खुदा ना खास्ता ऐसा होगा नहीं, हालांकि खुदा ना खास्ता नंबर एक पे भी आ जाए तो भी नंबर दो पर जो रहेगा वो जीता हुआ है, क्योंकि हम लोग क्या है, ये तो कोई सिस्टम है नहीं कि नोटा अगर आ गया है तो नोटा रह जाएगा, तो उसका फर्क जरूर पड़ेगा। और लोगों ने हो सकता है गुस्से में बहुत वोट किया हो नोटा पे, मुझे ऐसा लगता है अगर पूरे मध्य प्रदेश में, या हो सकता है हम पूरे देश की बात करें, तो हो सकता है नोटा वहां पे सबसे आगे दिखाई दे इंदौर में, लेकिन वहां पे जीत हार में तो अब कोई मतलब ही नहीं बात करने का हमको। महिलाओं की बात हम कर रहे थे कि महिलाओं का वोट परसेंट कम हुआ है, मृगेंद्र जी से जानते हैं कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बहुत करीब से आपने देखा है, लोकसभा चुनाव में भी देखा है, महिलाओं ने विधानसभा चुनाव में तो जमकर वोटिंग की, वहां पर कोई फैक्टर काम कर रहा था, तो अब लोकसभा में ऐसा क्या हो गया कि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकली? देखिए, निश्चित रूप से अगर विधानसभा चुनाव की अपेक्षा देखें तो लोकसभा चुनाव में महिलाओं का जो मतदान हुआ है बहुत कम हुआ है, पुरुषों के मुकाबले तो कम हुआ ही है, लेकिन पिछले अगर देखा जाए टोटल 9% के करीब महिला मतदाताओं की संख्या टोटल देखी जाए तो विधानसभा चुनाव के मुकाबले कम हुई है, और पुरुषों से भी कम हुई है। तो इससे मुझे लगता है कि जो योजना, जो लाड़ी लक्ष्मी योजना का जो प्रभाव था, जो विधानसभा चुनाव में पड़ा, उसके बाद आपने देखा होगा कि जो बंपर मेजोरिटी आई है भारतीय जनता पार्टी के, तो कोई कुछ भी कहे लेकिन उसमें बहुत बड़ा योगदान लाड़ी पार्टी, बहुत उत्साहित थी उन नतीजों से, और लग रहा था कि लोकसभा में भी ऐसा ही कुछ चमत्कार देखने को मिलेगा, लेकिन वो चमत्कार देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो उत्साह विधानसभा चुनाव में था वो इस बार लोकसभा चुनाव में बिल्कुल ही देखने को नहीं मिला। महिलाओं में उत्साह की कमी थी, या जो जैसे आदरणीय गिरिजाशंकर जी बता रहे थे कि जो उत्साह होना चाहिए, जो कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत विधानसभा चुनाव में की थी, निश्चित रूप से उसके मुकाबले लोकसभा चुनाव में बहुत कम मेहनत की है। 370 मत बढ़ाने का था तो आप तो देखिएगा हर बूथ में मतदान की संख्या कम होगी, तो ये जो कार्यकर्ताओं में जो उत्साह होना चाहिए, मुझे लगता कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं था। और दूसरी चीज, कार्यकर्ताओं में मुझे लगता है कहीं ना कहीं उम्मीदवारों को लेकर नाराजगी थी, जो ये कहा जा रहा था कि हम जिसको चाहेंगे जिता लेंगे। मुझे लगता है एक बड़ा कारण ये भी रहा कि कार्यकर्ताओं जो कई बहुत सारे जिनको टिकट दे दिया गया उनको कार्यकर्ताओं से कहीं मतलब भी नहीं रखते, मुझे लगता है इसको लेकर भी कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी। इस कारण भी कार्यकर्ता दिखाने को घूमता तो रहा पूरे क्षेत्र में, लेकिन जो मेहनत करनी चाहिए बूथ लेवल पर शायद मेहनत नहीं हुई है। इसी कारण देखिएगा पिछले बार के मुकाबले
हो सकता है सीटों में ज्यादा अंतर ना आए, लेकिन हार जीत का अंतर काफी कम रहेगा। दिनेश जी, आपने सुना तीनों लोगों को, बातचीत चल रही थी, अलग अलग मुद्दे निकल कर आए हैं और वोटों की हम बात कर रहे थे कि वोट परसेंट घटा, महिलाओं का भी घटा, अलग अलग मुद्दे निकल कर आ रहे। ओवरऑल सिनेरियो की अगर हम बात करते हैं, कहां पर इस चुनाव को आप देखते हैं? नहीं देखिए, ये चुनाव जिस तरह का लोग मान रहे थे कि शुरू में वन साइडेड है, अब वो वन साइडेड नहीं लग रहा। आखिरी में जब चुनाव चार चरणों के बाद खत्म हुआ तो जो मिशन 29 की बात हो रही थी, अब मिशन 29 पर बात नहीं हो रही, अब बात इस पर हो रही है कि कांग्रेस कितना गेन कर सकती है। ये एक इसे आप ये कह सकते हैं कांग्रेस के लिहाज से पॉजिटिव साइन है। और अब ओवरऑल आप देखेंगे, वैसे भी मध्य प्रदेश में अभी तक जो स्थिति रही है, कांग्रेस पार्टी तीन से ज्यादा सीटें, तीन चार 2009 को छोड़ दीजिए आप, जब वो 12 सीटें तक जीती थी तो वो बहुत ज्यादा जीत नहीं पाती। लेकिन इस बार लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि हो सकता है कि 2009 के चुनाव परिणाम आ जाएं, तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण तो यही हो सकता है कि जो विधानसभा चुनाव के जो नतीजे थे, जिसमें कई जो 10 के करीब ऐसी सीटें थी जहां कांग्रेस पार्टी का वोट अच्छा था, आदिवासी एरिया में वोट अच्छा था, तो कांग्रेस पार्टी ये उम्मीद कर रही हो कि जो है आदिवासी वोटों के सारे वो सीटें जीत जाए। लाडली बहना का जो फैक्टर विधानसभा चुनाव के समय था वो अभी नहीं था, तो उसके कारण भी ये उम्मीद हो सकती है। महिला वोटर का परसेंटेज भी कम था तो इसलिए भी हो सकती है। तो जो डिफरेंस है वो यही डिफरेंस है, क्योंकि शुरुआत आप मिशन 29 से करते हैं और फिर उसके बाद आते आते आप परसेंटेज पर आ जाते हैं कि परसेंटेज बढ़ाइए नहीं तो अन्यथा लीड घट जाएगी, हार जाएंगे। तो ये जो सत्ताधारी दल में जिस तरह की वो देखी गई, जो लोगों में बेचैनी, वो ये बताती कि चुनाव उतना आसान नहीं रहा जितना उन्होंने बनाने की कोशिश की। जो बहुत बात होती है कि 370 वोट बढ़ाने की बात हो रही है, आप 65,000 पोलिंग स्टेशन से 370 को मल्टीप्लाई करिए कि कितने वोट होते थे, वो टोटल कितने वोट डलते थे, आप उसको देखेंगे तो लगेगा ये ओवर एक्सपेक्टेशन था, केवल मीडिया के लिए ये बात कही गई थी। अन्यथा 370 वोट बढ़ाना किसी पोलिंग स्टेशन पर इतना आसान काम नहीं होता, उसके लिए आपको 95% तक वोटिंग के लिए जाना पड़ा, तब तो आप उम्मीद कर सकते हैं। तो एक जो नैरेटिव तैयार करने की कोशिश हुई वो नैरेटिव बना नहीं भारतीय जनता पार्टी का। कहीं ना कहीं जो है ऐसे मुद्दे उनके सामने आ गए या ऐसी चीजें आ गई जो वो चाहे वो उनके ट्राइबल सीट पर रही हो या जो उनके उम्मीदवार थे जैसे सतना में गणेश सिंह या फग्गन सिंह कुलस्ते, उनको लेकर भी बहुत सारी चीजें चली। तो अलग अलग चीजों से चलते चलते ये जो आखिरी में जब चौथा चरण निपट गया तो अब ये कैलकुलेशन हो रहा है कि टोटल नंबर क्या होंगे। तो ये जो है इस वक्त सबका इंटरेस्ट इसी बात पर है कि नंबर क्या होगा। अब केवल छिंदवाड़ा पर बात नहीं हो रही, अब बात ये भी हो रही है कि इंदौर में जो वोट डला है वो उसमें नोटा की जो महत्वपूर्ण बात है, जो लोग वोट डालने लगे, देखिए 60% वोट भी कोई कम नहीं होता, कोई कैंडिडेट नहीं था कांग्रेस का, इसके बाद भी लोग 60% वोट डालने निकल रहे हैं। सबको पता था कि शंकर ललवानी जीत रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता केवल शंकर ललवानी जी को वोट डालने के लिए ये लोग निकले होंगे, कि वो उन्हीं को वोट डाल के आए होंगे। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्र में अलग है, खजुराहो में अलग कहानी आपको मिलेगी कि वहां भी पोलिंग परसेंटेज बढ़ता है। तो एक ऐसे उम्मीदवार को क्या वोट देने निकले थे क्या लोग, जो जिसको कोई जानता नहीं था? तो बहुत सारे आप देखिए कि उसमें जो वोटों का जब आएगा सामने, तो सामने आएगा कि आखिर में ये चला क्या था। इसमें बड़े बड़े फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं जब इन वरिष्ठों से हम बात कर रहे हैं, तो इसी कड़े में धनंजय प्रताप सिंह के पास चलते। और एक और महत्वपूर्ण फैक्टर इस चुनाव में आपने देखा होगा, वो था प्रत्याशियों के पार्टी बदलने का, दल बदलने का। बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में भी इसको लेकर कहीं सुस्ती नजर है, जैसे कि गिरिजाशंकर जी ने बताया कि निकले नहीं, वो कनेक्ट नहीं कर पाया। तो क्या ये लगता है आपको कि इसका कोई इम्पैक्ट देखने को मिला? निश्चित तौर पर सुधीर, देखिए छिंदवाड़ा में हम बात करें तो जो कांग्रेस से बड़े बड़े नेता दीपक सक्सेना से लेकर जो मेयर थे वहां के आहा के, विशाल आहा के, तमाम लोग कांग्रेस छोड़कर के भाजपा में ज्वाइन किए, और उसका जो इम्पैक्ट, उसका जो प्रभाव पड़ा वहां छिंदवाड़ा में, भाजपा का जो मूल कार्यकर्ता था वो निराश हो गया। बहुत सारे कार्यकर्ता घर से नहीं निकले, और छिंदवाड़ा में जो भाजपा को नुकसान हुआ वो इस दल बदल से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। बाकी ओवरऑल हम अगर तो क्या पन्ना इंदौर में जो एपिसोड हुए उन्होंने भी कहीं प्रभाव डाला है? पन्ना और इंदौर में जो एपिसोड हुए उसका नुकसान मुझे लगता है कि मतदान पर पड़ा है। दोनों जगह जो कम मतदान हुआ है उसका असर यह है कि दोनों जगह कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं थे, दमदार प्रत्याशी नहीं थे, एक तरफा चुनाव था, तो इसलिए मुझे लगता है मतदाताओं में भी उतना उत्साह नहीं था और उस उत्साह की कमी के कारण मतदान कम हुआ है। 400 पार को लेकर बीजेपी चल रही थी, बड़ा नारा लेकर आई थी, जैसे अभी बात हुई कि 370 बूथ पे बढ़ाने की बात की थी, दल बदल की बात भी आ रही थी,
एक कनेक्ट यह आ रहा था कि जिस तरीके से मतदान हुआ है, गृहमंत्री अमित शाह जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि परफॉर्मेंस हम देखेंगे मंत्रियों का, तो उस लिहाज से परसेंटेज कम हुआ है, तो आपको लगता है कि मंत्रियों पर कोई साइकोलॉजिकल प्रभाव इसका देखने मिला? मुझे नहीं लगता कि, एक तो पहली बात यह है कि उन्होंने ऐसा कहा या नहीं कहा इसकी कोई बहुत अधिकृत जानकारी नहीं है, वो बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। ये जरूर है कि अमित शाह ने जिस तरह की कोशिश लगातार चुनाव में की कि मतदाताओं को अधिक वोटिंग हो और इसके लिए पार्टी कैडर को तैयार किया जाए, वो उनका प्रयास जो है बहुत सफल होता हुआ नहीं दिखता है। और दूसरी बात यह है कि जो नए मतदाता जो इस बार आए चुनाव में वोट करने के लिए, उनको लेकर कोई अलग सा अभियान चलता हुआ मुझे नजर नहीं आया। हम जब वोटिंग की बात करते हैं, वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की बात करते हैं, तो एक बड़ा फैक्टर होता है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का जागरूकता अभियान और तमाम जितने अभियान जो चलाते हैं वो एक तरह से कर्मकांड बन के रह गया है। बहुत निराश नजर आ रहा है आयोग भी? नहीं, आयोग निराश यदि है तो उसको इस बात की चिंता करना चाहिए कि जागरूकता अभियान के नाम पर जो अभियान चलाता है, रथ निकालना, तो कोई इवेंट करना या विज्ञापन अपील जारी करना, ये तमाम जो है वो एक तरह से निरर्थक साबित हो रहे हैं। और उनको दरअसल इस बात पर कंसंट्रेट करना चाहिए कि जागरूकता अभियान अपनी जगह पर है, आप वोटिंग को, वोटर को कितना अच्छा फैसिलिटेट करते हैं, आप वोटर को मतदान केंद्र तक जाने और मतदान करने में उनको सुविधा हो। मैंने देखा कुछ कि एक ही बिल्डिंग में 7 मतदान केंद्र हैं और एक वोटर जब जाता है तो उस 7 में से उसका मतदान केंद्र कौन सा है उसकी कोई जानकारी वहां पर नहीं होती। जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनको मालूम नहीं। क्या ये संभव नहीं होता कि जो अखबारों में अपील जारी करते हैं वहां पर मतदान केंद्रों की जानकारी आप मतदाताओं को दें, जो घर बैठे जान सकें? मतदान केंद्र के बाहर जो है आप सजावट करते हैं और फूल माला लगाते हैं, उसका क्या अर्थ है? मतदान केंद्र जब मतदाता पहुंचेगा ही नहीं तो वो सजावट का क्या काम है? उसके बजाय आप हर मतदान केंद्र के बाहर वोटरों की लिस्ट आप टांग देते ताकि लोग अपना वोट देख सकें। तो अब मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को अपना फोकस बदलना चाहिए, ये जो आडंबर करना है इसके बजाय उनको मतदाताओं को किस तरह से मत देना उनके लिए सुगम बनाया जाए उस पर उनको ज्यादा फोकस करना चाहिए, वरना ये उनके तमाम कोशिशें अपनी जगह पर रहेगी और मतदान का प्रतिशत इसी तरह गिरता रहेगा। आपका वोट आपका अधिकार है, लेकिन चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चीज गिरिजाशंकर जी ने कही है कि जमीनी स्तर पर उतरना होगा, तब जाकर ये जो सजावट होती मतदान केंद्रों की, जिनके स्वागत के लिए आप पलक पावड़े बिछाकर बैठते हैं, उसकी सार्थकता तभी है जब आडंबर से बाहर निकलकर जमीनी स्तर पे काम करना होगा। एक बात आनंद पांडे जी, अभी हम बात कर रहे थे कैंडिडेट्स को लेकर भी, मृगन जी ने बात कही थी कि कुछ कैंडिडेट्स को लेकर भी नाराजगी नजर आ रही थी, क्या मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से कुछ सीटों पर ऐसा लगता है आपको कि कैंडिडेट्स न होकर वहां पर कुछ नाराजगी कार्यकर्ताओं में देखने को मिली कैंडिडेट्स को लेकर? क्योंकि अब तक जो चुनाव होते रहे थे वो आप देख रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी के नाम पर होते थे, कहते थे कि विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों पर और नेशनल के वोट जो है नरेंद्र मोदी के नाम पर जाएंगे, लेकिन इस चुनाव में क्या आपने देखा? नहीं तो इस बार के चुनाव भी नरेंद्र मोदी के नाम पर ही है, इस बार भी कोई बड़ा फैक्टर तो है नहीं। और गिरिजा भैया की बात को मैं एक बात मैं और आगे बढ़ाना चाहूंगा, जो गिरिजा भैया ने बोला ये बात सही है कि चुनाव आयोग को पूरा काम करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को, लेकिन मेरा उससे बड़ा आगे निकल के कहना है कि आप देखिए, और जो मैं बात कर रहा हूं वो मेरी बात को आप इंडोर्स करेंगे, कि जहां अच्छे कैंडिडेट थे, बड़े कैंडिडेट थे, कद्दावर कैंडिडेट थे, वहां पर वोटिंग बनिस्बत फिर भी ठीक हुई है। यानी मेरा कहने का मतलब ये कि जनता इतनी निराश है कि हम एक चोर है को चक्का है, हम दो में से एक को वोट देना है तो हमको जाने नहीं वोट डाले, तो वो जो निराशा है, तो मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को तो एक काम करना ही चाहिए जैसा गिरिजा भैया ने सुझाव दिया, लेकिन इसके सिवा पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसी क्या बेरुखी हो गई है, हमारे लिए क्यों नहीं लोग निकल रहे हैं, जनता बाहर क्यों नहीं निकल रही। ये पहली बात कम वोटिंग पे। दूसरी बात आपने बोली कि क्या कैंडिडेट, देखिए जैसे हम छिंदवाड़ की बात करें या राजगढ़ की बात करें, तो ये ऐसा माना जा रहा है कि ये शायद कमजोर कैंडिडेट थे, जैसे खासतौर से हम छिंदवाड़ा की बात करें, छिंदवाड़ा में बोला जा रहा है कि अगर बंटी साहू के सिवा कोई भी दूसरा कैंडिडेट होता, और ये खुद ऑफ द रिकॉर्ड जब बीजेपी के बड़े नेता बात कर रहे हैं तो वो चीज को मान रहे हैं कि बंटी, हो सकता है मेरे इतने कहने के बावजूद हो सकता है बंटी जीत भी जाए नरेंद्र मोदी के नाम पे, वो दूसरी बात है, लेकिन और अच्छे कैंडिडेट हो सकते थे। राजगढ़ में जैसे रोडमल नागर जी की बात की जा रही है तो एक नाराजगी वहां पे लोगों में देखी जा रही थी। और जो आपने बोली, देखिए बीजेपी ने यहां पे प्रचारित किया, दावा किया, मैंने इसको एंडोर्स कर रहा हूं, बीजेपी का दावा है कि उसने 7 लाख कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीजेपी ज्वाइन करवाई। अब अगर 7 लाख कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीजेपी ज्वाइन करवा लेंगे
तो जो बेचारे ओरिजिनल बीजेपी के लोग हैं वो तो नाराज और दुखी होंगे ही ना, घर पे बैठेंगे ही वो, तो ये तमाम बातों को देखना पड़ेगा हमें और इन सब चीजों का निश्चित तौर से फर्क तो पड़ा है। देखिए फर्क पड़ा चीजों का, हम रगेन जी से एक बात करते हैं कि विंध्य में भी रीवा में जो सीट थी वोटिंग वहां पर भी कम देखने को मिली है। ओवरऑल सिनेरियो की हम बात करते हैं कि विंध्य का वोटर जो होता है, बुंदेलखंड का जो वोटर होता है उसका कुछ रवैया अलग तरह का होता है, लेकिन फिर भी वोटिंग कम हो रही है और कैंडिडेट्स की जो बात अभी कर रहे थे तो आपको लगता है कि उधर के कैंडिडेट्स को लेकर भी कहीं ना कहीं कुछ गफलत में वोटर रहा या कुछ नाराजगी जता इसलिए वोट कम हो गए? निश्चित रूप से कैंडिडेटों को लेकर नाराजगी थी और लोगों में नाराजगी इस बात की भी थी कि जनता जिस उम्मीदवार को बिल्कुल पसंद नहीं कर रही बार बार उसी उम्मीदवार को थोपा जा रहा है, इसी कारण लोगों में उत्साह नहीं था उम्मीदवार को लेकर। अब ठीक है हार जीत तो अपनी जगह है, कौन जीतता है कौन हारता है अलग बात है, लेकिन निश्चित रूप से उम्मीदवारों को लेकर किसी के प्रति जो रुख होना चाहिए कि हमें सकारात्मक रुख, वो किसी को उम्मीदवारों को प्रति नहीं था। और जहां तक आपने बात की विंध्य प्रदेश का, निश्चित रूप से विंध्य प्रदेश और बुंदेलखंड की अलग दास्ता है, यही लगभग ग्वालियर चंबल की। वहां अगर देखा जाए तो इस बार लहर कम, जातिवाद का नारा हमेशा रहता है, विशेषकर अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गई है। एक लंबे समय से आप देखिए 1990 से लेकर अब तक बहुजन समाज पार्टी विंध्य प्रदेश और ग्वालियर चंबल में बहुत बड़ा फैक्टर है। आप बहुजन समाज पार्टी के नाम पर किसी को भी टिकट दे दीजिए, वो हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 20 से 25 हजार से लेकर 40 हजार तक वोट उसको मिलते हैं और लोकसभा में 1.5 लाख वोट तो उसको मिलने हैं। चाहे कोई भी वहां जो भी बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता हो, उम्मीदवार नहीं देखता, वो देखता है हाथी चुनाव चिन्ह। तो ये इसके कारण भी बहुत सारे फर्क पड़ेगा। आप देखिएगा सतना का बात करें या रीवा की बात करें, इन दोनों सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार की भूमिका काफी बहुत ज्यादा होगी कि अगर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार, अगर सतना की बात करें नारायण त्रिपाठी जी को अगर ज्यादा वोट नहीं मिले तो निश्चित रूप से चुनाव फंस जाएगा। ग्वालियर चंबल की बात करते हैं, दिनेश गुप्ता जी ने बहुत बारीकी से बहुत करीब से उस पूरे इलाके को देखा है नापा है। जैसे मृगेन्द्र जी बता रहे थे कि विंध्य और बुंदेलखंड की सीटों की हम बात कर रहे थे, जातिगत फैक्टर काम करता है। ग्वालियर चंबल में भिंड है, मुरैना है, उन इलाकों में भी खासतौर पर ब्राह्मण ठाकुर का जो फैक्टर है वो काम करता है। चुनाव से पहले, टिकट घोषित होने के पहले भी ऐसे ही कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही थी। तो क्या लगता है आपको, ग्वालियर चंबल का जो इलाका है पानी का, वहां का तो सबको पता है कि ग्वालियर चंबल का पानी जो है वो अलग ही रंग तेवर दिखाता है, चुनाव में क्यों तेवर नहीं दिखा पा रहे? नहीं, चुनाव में भी दिखाता है, आप रिजल्ट में देखेंगे तो वो आपको रंग दिख जाएगा। ग्वालियर चंबल में केवल 4 सीटें हैं, भिंड, मुरैना, ग्वालियर और गुना, ये 4 ही सीटें हैं। तो इन 4 सीटों पर आप देखिए 3 सीट ऐसी हैं जहां बहुत ज्यादा जातिवाद की बात होती है, गुना को छोड़कर। गुना में जरूर इस बार देखिए आप, फिर वो यादव फैक्टर आया कि यादवेंद्र यादव जो है कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट थे तो वो कहीं ना कहीं यादव राजनीति की बात हुई, वहां जातिवाद की बात हुई और वो इसलिए ज्यादा हुई क्योंकि आमतौर पर सिंधिया के इलाके में जातिवाद को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती थी, लेकिन जब पिछली बार केपी यादव चुनाव जीते तो यादवों के कारण उसको जीत माना गया, मोदी जी के कारण जीत माना गया, तो इस बार भी वहां वो फैक्टर तो बना। मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं, इसके बावजूद वहां ये बात हो रही थी कि उस इलाके का जो यादव वोटर है वो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के साथ जा सकता है, तो लोकल लेवल की जो कास्ट पॉलिटिक्स है वो वहां दिख रही थी। मुरैना में भी आप देखिए कि वहां ठाकुर कहां जाता है ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो ठाकुर हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के, और बीएसपी का प्रयोग वहां वैश्य कैंडिडेट पर है, तो वो भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है कि इस बार पहली बार वहां वैश्य कैंडिडेट है और इसके नतीजे बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं है कि वो किस तरफ जाते हैं क्या करते हैं। तो मुरैना का इलेक्शन तो कहा जा रहा है कि अब वो पहले जैसा नहीं रहा, जब 14-19 में जिस तरह के परिणाम मिले थे हो सकता है कुछ अलग परिणाम आए। भिंड में तो अब जो है ये मान रहे हैं कि बड़ा जो मुकाबला है, चूंकि रिजर्व सीट है, एकमात्र रिजर्व सीट वहां की उस इलाके की है और लगभग तीनों एक ही कास्ट में है जो रिजर्व में कैटेगरी में है, तो वहां ये देखना है कि एक कास्ट ने क्या त्याग किया है, क्या बीएसपी कैंडिडेट के साथ जाना है या बीजेपी के साथ बने रहना है या फिर कांग्रेस कैंडिडेट के साथ जाना है, तो वहां भी जातिवाद का फैक्टर है। ग्वालियर में भी ब्राह्मण और एक ओबीसी का फेस था, तो पूरे इलाके में ब्राह्मण वोटर तो हैं, वहां प्रवीण पाठक कैंडिडेट हैं तो पूरे शिवपुरी जिले की जो 2 विधानसभा क्षेत्र है वहां भी ये फैक्टर चलता है और कुशवा वोटर वहां है, इसी हिसाब से बीजेपी ने प्लानिंग की थी कि कुशवा को हम वोट टिकट देंगे तो उस इलाके के जो कुशवा वोटर है वो उनके साथ आएंगे। बीएसपी ने गुर्जर कैंडिडेट दिया है तो वो इसी हिसाब से दिया है कि कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस को जाने वाले जो वोट है वो रोक सकें। वो तो एक रणनीति के तहत आप पूरे इलाके में देखेंगे, बीएसपी वहां चुनाव लड़ रही है तो एक रणनीति के तहत लड़ रही है, कहीं ना कहीं वो कांग्रेस को नुकसान
कराने के लिए उसके कैंडिडेट हैं, लेकिन कितना नुकसान करते हैं उस पर नतीजे जब आएंगे तो वो सामने दिखेगा कि नुकसान एक्चुअल हुआ कि नहीं हुआ। जातिगत फैक्टर की हम बात करेंगे तो सिर्फ यूपी बिहार में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में और दक्षिण भारत में भी चुनाव के दौरान जातिगत फैक्टर बहुत काम करता है, लेकिन जब कैंडिडेट्स की बात आती है तो धनंजय प्रताप सिंह से हम जानते हैं कि सर कैंडिडेट्स के मामले में आपको लगता है कि कुछ सीटों पर कांग्रेस ने बेहतर कैंडिडेट दिए बीजेपी के बनिस्बत? देखिए हम सुधीर ये तो नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने बहुत बेहतर कैंडिडेट दिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा के कई कैंडिडेट खोने के लिए कुछ नहीं था कांग्रेस के पास। बात आपकी सही है, लेकिन आप ये देखिए कि भाजपा के कुछ कैंडिडेट्स के कारण मुझे लगता है कि चुनौती कांग्रेस ने दी है। जैसे आप देखिए कई सांसद ऐसे थे जिनको भाजपा ने रिपीट किया और उनके खिलाफ में अच्छी खासी एंटी इनकम्बेंसी थी, और वहीं जो है विधानसभा चुनाव भी हारे थे बहुत सारे। हाँ, कांग्रेस और भाजपा में उन्हीं सीटों में बहुत ज्यादा चुनौती कड़ी टक्कर हुई है जिन सीटों पे एंटी इनकम्बेंसी थी। आप उदाहरण के तौर पे फग्गन सिंह कुलस्ते को ले लो, वहां भाजपा की स्थिति शुरुआत में बहुत बेहद खराब थी, बाद में हालांकि भाजपा ने बहुत स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी वजह थी एंटी इनकम्बेंसी और फग्गन सिंह को रिपीट करना। ऐसे ही सीट थी सतना, सतना में गणेश सिंह को टिकट दिया, सतना में गणेश सिंह के खिलाफ कार्यकर्ताओं से लेकर मतदाताओं तक में बहुत रोष था, उसके कारण भी भाजपा को वहां मुसीबत झेलना पड़ी। आप राजगढ़ में देख लो, रोजमल नागर के प्रति लोगों का इतना गुस्सा था कि कहते थे कि कभी ये मिलते ही नहीं, क्षेत्र में दिखते ही नहीं, 10-10 साल से लोगों ने अपने सांसद को एक बार भी नहीं देखा। तो ऐसी सीट देखो, खरगोन में गजेंद्र सिंह पटेल को रिपीट किया, गजेंद्र सिंह पटेल के खिलाफ में वहां पूरा भाजपा का संगठन कार्यकर्ता सब नाराज थे, वहां एंटी इनकम्बेंसी रही। प्रत्याशी चयन में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रतलाम झाबुआ में भी परेशानी हुई, नया कैंडिडेट दिया, वहां भील भिलाला जातिगत मुद्दा खड़ा हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्याशी कहीं जो भाजपा के कमजोर थे या जिनको बदलना था वो भाजपा ने बदला नहीं, उन सीट पे कांग्रेस के कमजोर प्रत्याशी भी बहुत भारी पड़े हैं। बयानबाजी का भी बहुत बड़ा रोल होता है चुनाव में, आपने सुना होगा मंगलसूत्र से बयानबाजी शुरू हुई थी, विरासत टैक्स तक पहुंची थी, और अब जो बयानबाजी है वो आ गई है फटाफट धड़ाधड़ तक। नहीं, अब जो बयानबाजी फटाफट पर जब तक आई है तब तक तो हमारा चुनाव सब निपट चुका है। अब वो चाहे बयानबाजी जो भी हो सके, बहुत मध्य प्रदेश के चुनाव पर तो कोई असर होना नहीं है। आप जो कैंडिडेट की या चुनाव कैंपेन की बात कर रहे थे, अब बयानबाजी की बात कर रहे थे, उसको आप देखिए चुनाव कैंपेन मध्य प्रदेश का कैसा रहा। बीजेपी ने हालांकि अपने प्रत्याशी काफी पहले घोषित कर दिए थे, लेकिन उनमें कुछ अधिक ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा था, उनको ऐसा लग रहा था कि उनको कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है, चुनाव तो मोदी के नाम पर लड़ा जाना है, मोदी गारंटी पर लड़ा जाना है और जीतना भी उसी पर है। तो उनका एक कैंपेन जो है पूरा मोदी सेंट्रिक था, वहां पर कैंडिडेट या बाकी और दूसरी जो चीजें थी उस पर बहुत कोई ध्यान नहीं दिया गया। कांग्रेस ने कैंडिडेट पर थोड़ा फोकस किया, थोड़ा बेहतर कैंडिडेट देने की कोशिश की, लेकिन वहां पर पार्टी कहीं गायब थी। तो दोनों के चुनाव कैंपेन को आप देखेंगे तो बीजेपी की तरफ से जहां पर कैंडिडेट नहीं पार्टी चुनाव लड़ रही थी, कांग्रेस की तरफ से पार्टी नहीं थी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे, तो दोनों में एक बड़ा फर्क। दूसरा, जो एग्रेसिव कैंपेन जो बीजेपी का था, आप देखेंगे कि चाहे वो अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी खुद हो, या नड्डा जी हो, या बाकी और बड़े नेता उनके जो हैं, लगभग हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनकी सभाएं हुई, उनकी रैलियां हुई। कांग्रेस की तुलना में वो कम से कम कई कई गुना था। कांग्रेस की आप देखे बड़े नेता जो हैं वो शायद एक या दो बार राहुल गांधी आए, एक आध कुछ सभा प्रियंका गांधी की हुई, तो उसकी तुलना में उनका कैंपेन बहुत बहुत कमजोर रहा। जाहिर है कि इसका असर भी उस चुनाव के प्रॉस्पेक्ट पर पड़ता है। आप विधानसभा का चुनाव जो 6 महीने पहले हुआ था उसमें कांग्रेस की कंपेनिंग देखिए, जो कांग्रेस की लीडरशिप स्टेट की लीडरशिप वो देखिए, और लोकसभा चुनाव में स्टेट की लीडरशिप जैसी कोई चीज नजर नहीं आ रही थी। कमलनाथ छिंदवाड़ा के बाहर कहीं निकल ही नहीं पाए, और वो छिंदवाड़ा का चुनाव तो मैं समझता हूं कि तकनीकी रूप से कांग्रेस है, बाकी वो पूरा का पूरा पूरा चुनाव कांग्रेस का न होकर वो कमलनाथ का चुनाव था, और इसीलिए वहां का चुनाव खत्म होते ही कमलनाथ चुनाव के पूरे परिदृश्य से बाहर हो गए। राजगढ़ भी ऐसे ही था कमोबेश, जो है दिग्विजय सिंह अपने राजगढ़ से बाहर निकल नहीं पाए, और पार्टी ने चुनाव के ठीक पहले नई पीढ़ी को लीडरशिप सौंप दी, उस लीडरशिप को अपने संगठन में जमावट करने का ही मौका नहीं मिला और सीधे चुनाव में जाना पड़ा। तो एक लिहाज से देखा जाए तो पूरा जो संगठन के स्तर पर कांग्रेस चुनाव में कहीं नजर नहीं आई। वहां पर उनके जो कैंडिडेट थे उन्होंने जितना अच्छा या जितना बुरा है, जितना जो करना था उन्होंने किया, और इसका आपको चुनाव परिणाम पर इसका जो असर है वो देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के लिहाज से हम बात करते हैं, जैसे कि अभी गिरिजाशंकर जी ने कहा है कि कांग्रेस का जो संगठन है वो बदलाव के दौर से गुजर रहा है, लेकिन
जिस तरीके की बयानबाजी होती है, जीतू पटवारी इमरती देवी को लेकर बयान करते हैं, और साथ ही साथ जो संगी साथी जिनको वो हाथ से हाथ जोड़कर लेना चाहते हैं वो हाथ छोड़कर चले जाते हैं। हाथ बदलेगा हालात, ये नारा कांग्रेस ने दिया है। मध्य प्रदेश में संगठन के लेवल पर कांग्रेस की कमजोरी उजागर हुई, ऐसा कुछ लगता है आपको? देखिए, ये तो मुझे लगता है कि लंबे समय से ऐसा हो रहा है। जो हम इसके पहले विधानसभा की भी बात कर रहे थे, इस इलेक्शन को आप विधानसभा इलेक्शन से जोड़ के देखिए सुधीर, हम सब बैठ के बात करते थे और अच्छा खासा माहौल था। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि देखिए, मुद्दे होना और मुद्दों को जनता के बीच में ले जाना और फिर ले जाने के बाद उनको वोट में कन्वर्ट करना, तीन अलग अलग स्टेप होते हैं। मुद्दे होने के बावजूद कांग्रेस उन मुद्दों को खड़ा नहीं कर पाती है, जो अपोजिशन का रोल होता है वो प्ले नहीं कर पाती है, और इसके बाद जो कन्वर्जन आना चाहिए कि वो जो जनता है उसको मुतमईन करे, जो वोटर है उसको सेटिस्फाई करे कि हाँ साहब, ये मुद्दे हैं और आपके मुद्दे और हम इनको आवाज देंगे, आप इनको वोट में बदलिए, वो कांग्रेस के साथ ही दिक्कत आती है। और अभी जो यहां मध्यप्रदेश, जैसे गिरिजा जी ने बोला, कमलनाथ जो है वो बाहर हैं, कहाँ हैं किसी को नहीं मालूम है, दिग्विजय सिंह आपको मालूम है अपने आप में उलझ गए हैं, जीतू पटवारी बहुत नए हैं और उनको कौन कितना साथ दे रहा है, आप ये सोचिए ना कि बीच, और मैं आपको बहुत पुख्ता उससे बोल रहा हूं, मेरे पास हालांकि कोई इसके कोई प्रमाण मैं आपको नहीं दे सकता हूं, लेकिन उमंग श्रृंगार की बात चल रही थी, बिल्कुल सही बात है, इसमें इसके कोई प्रमाण एविडेंस देना मुश्किल होते हैं। हालांकि जीतू पटवारी के साथ एक बढ़िया वीडियो किया, इंटरव्यू देते हुए वीडियो जारी किया कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। देखिए वो तो ठीक है, कोई ऐसा बोलता है क्या, कोई ऐसा बोलता है, किसी ने उम्मीद की थी कि सिंधिया चले जाएंगे, वो दूसरी बात है, लेकिन पॉलिटिकल उनकी, अब वो कैसे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, डेवलपमेंट क्यों नहीं पाया, वो एक दीगर कहानी है, जो हम यहाँ टीवी पर नहीं बोल सकते हैं, वो दीगर कहानी है। और आप ये देखिए ना, आप इससे अंदाजा लगाइए कि यानी अक्षय बम जैसा इंदौर का प्रत्याशी चले जाता है और दोपहर में 12-1 बजे तक जीतू पटवारी को नहीं मालूम होता है कि हमारे यहाँ इतना बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है, तो आप कांग्रेस की हालत तो आप देख ही सकते हैं कि क्या हो रही है। तो ये बिल्कुल अभी देखिए, मुझे लगता है कि बहुत नए सिरे से बुनियादी तौर पे अगर कांग्रेस अपने आप को नहीं बदलेगी, ये जो जिसको हम बोलते हैं ना टोटके या कॉस्मिक चेंज जिसको हम बोलते हैं कि थोड़ा बहुत लीपापोती कर दी, मेकअप कर दिया आपने, इसको बदल दो, उसको अध्यक्ष बना दो, मेरे को लगता है आइडियोलॉजी के स्तर पर उसको बात करनी पड़ेगी, एक पूरा संगठन में नए सिरे से ओवरहॉलिंग करना पड़ेगी, तब जाके वो कुछ कर पाएगी। संगठन की हम बात कर रहे थे, बीजेपी का संगठन 370 वोट लेकर बूथ तक पहुंचा था कि बूथ पर 370 बटाएंगे, लेकिन संगठन के लेवल पे दोनों पार्टियों की अगर हम बात करेंगे, मृगेन जी कैसे आप उनको देखते हैं, किस लेवल पे आप आंकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन बहुत मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी संगठन का ही पार्टी है, जबकि कांग्रेस व्यक्तिगत, लेकिन इस बार वोट परसेंट नहीं बढ़ा पाया वो संगठन। निश्चित रूप से संगठन वोट परसेंट नहीं बढ़ा पाया, उसका कारण पहले ही बता चुका हूं कि जो कार्यकर्ताओं में उम्मीदवारों को लेकर और साथ ही जिस तरह से कांग्रेसीकरण किया गया है, आंकड़े ही बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कि 7 लाख लोग कांग्रेस की भाजपा में शामिल हुए, इसी कारण जो भाजपा का मूल कार्यकर्ता है वो पार्टी से बाहर नहीं जाता, तो चुनाव प्रचार में काम में तो लगा था लेकिन उत्साह से नहीं लगा था, लोगों को निकालने की कोशिश नहीं की। तो मैं तो कहता हूं चुनाव आयोग चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले, जब तक दोनों दल या प्रमुख दलों के जो वार्ड स्तर या बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं वो जब तक लोगों को घर से नहीं निकालेंगे तो मतदान के प्रतिशत नहीं बढ़ सकता है। इस कारण जो संगठन की दृष्टि आनंद जी ने बताया कि कांग्रेस का संगठन तो है ही नहीं, वहां व्यक्ति विशेष का काम चलता है। अब बताइए, कांग्रेस का इतना बड़ा चुनाव हो गया लोकसभा, कांग्रेस का संगठन नहीं है, मात्र एक अध्यक्ष है, बाकी पूरी कार्यकारिणी भंग है। शायद आप पहली बार कहीं सुना होगा कि लोकसभा जैसा चुनाव हो रहा, मध्य प्रदेश की कार्यकारिणी में केवल प्रदेश अध्यक्ष के अलावा कोई नहीं, कुछ प्रवक्ता बना दिए गए, बाकी पूरी कार्यकारिणी भंग है। आपको लग रहा होगा दिनेश जी की मध्य प्रदेश की जैसे अभी बात की कि कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष कार्यकारिणी भंग है, कहीं ऐसा रहा होगा क्या कि कार्यकारिणी में पता नहीं चल रहा होगा कि किसको रखा जाए, पता चल रहा जिसको लेकर आ रहे वही हाथ छोड़कर चला जा रहा है, ये डर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के संगठन में या नए नेतृत्व में महसूस किया आपने कुछ? नहीं, कोई कांग्रेस में कोई डर नहीं है, क्योंकि आप देखिए ना, कमलनाथ के समय जो लोग थे भी तो वो क्या कर रहे थे, कमलनाथ तो 5 साल से भी ज्यादा समय तक अध्यक्ष थे, तब भी लोगों को, अभी आप नाम पूछोगे ना कांग्रेस के नेताओं से तो उन्हें अपने पदाधिकारियों के नाम नहीं मालूम होंगे। लेकिन आप ये क्या बायपोलर स्टेट है, यहाँ दो ही पार्टियां हैं, कांग्रेस का 40% वोट है, सब कुछ के बावजूद उसे 40% वोट विधानसभा चुनाव में मिलता है, कोई संगठन नहीं, कोई कार्यकर्ता नहीं, विधानसभा चुनाव में भी तो यही था, कौन प्रचार करने गया था, कमलनाथ खुद नहीं गए ज्यादा जगह, बाकी नेता कहाँ जाते, तो वो जो कांग्रेस में जो वोटर है उनका वो एक फिक्स वोटर है, वो उसी वोटर पर चलती है। भारतीय जनता पार्टी अपना जो वोटर है उसको बढ़ाने की कोशिश करती है, इस बार जो यदि वो 48% तक गए हैं तो उन्होंने अपने जो फ्लोटर वोटर है उसको तो कहीं ना कहीं अपने साथ जोड़ा है, और ये आप देखिए उसको पूरा रिवर्स आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें सामने हुई। 58% उसे 2019 में मिलते हैं,
फिर विधानसभा चुनाव में आके 2048 पर वो 48% पर आकर रुक जाती है। फिर उसके बाद ये अभियान चालू होता है कि कांग्रेस के नेताओं को हमें भाजपा में लाना है, तो कांग्रेस के नेता भाजपा में भी आ जाते हैं, इसके बावजूद पोलिंग परसेंटेज नहीं बढ़ता। क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि एक नैरेटिव आपने तैयार कर दिया कि कांग्रेस तो मध्य प्रदेश में खत्म है और ये वंश एक तरफ का चुनाव है और इसमें भाजपा जीत रही है। तो जब भाजपा जीत रही है तो वोटर जाके क्या करेगा? और फिर दूसरा एक ईवीएम का भी नैरेटिव है, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी कह दिया हो, लोगों के दिमाग में तो है। जब जो है कई जगह हमने देखा था विधानसभा चुनाव के समय, लोग ये मान रहे थे कि यहां तो जीत कांग्रेस की हो रही है, लेकिन वहां भी भाजपा जीत गई और छोटे मोटे मार्जिन से नहीं, बड़े मार्जिन से जीते। जो जीवन में 10-10 चुनाव लड़ने के बाद जिस मार्जिन से नहीं जीते, उससे 10 गुना मार्जिन से वो चुनाव जीते। तो लोगों की जो मन में शंकाएं हैं, वो शंकाएं हैं, उन शंकाओं को इलेक्शन कमीशन ने कभी दूर नहीं किया। कोर्ट में भले ही कुछ भी किया हो, जिस तरह की चीजें हैं वो एक अलग तरह की जो है एक डिबेट है, लेकिन जो मध्य प्रदेश में स्थिति बनी वो बहुत सारे कारण हैं जिसके चलते ये पोलिंग परसेंटेज है या जो नैरेटिव है वो एक अलग तरह का नैरेटिव था और भाजपा उसी नैरेटिव में अपने इको सिस्टम में कहीं ना कहीं फंसी खड़ी हुई है। ईवीएम का भी मैटर आता है, आखिरी कमेंट में गिरजाशंकर जी से चाहूंगा कि जिस तरह के मुद्दे निकल कर आए, ईवीएम का मुद्दा बहुत जरूरी भी है, जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो कांग्रेस ईवीएम को लेकर निश्चित तौर पर चर्चा भी करेंगी। मुझे लगता है कांग्रेस कोई चर्चा नहीं करेगी ईवीएम पर। ईवीएम अब कांग्रेस का मुद्दा न होकर दिग्विजय सिंह का मुद्दा बनकर रह गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ईवीएम कोई मुद्दा नहीं है। और जहां तक चुनाव परिणाम की बात है तो हमको ये देखना होगा कि मध्य प्रदेश के चुनाव परिणाम को आइसोलेशन में नहीं देख सकते। गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये पूरा जो हिंदी बेल्ट है, जिस तरह से पिछले दो चुनाव में वो बीजेपी के लिए 95% से ऊपर का स्ट्राइक रेट देने वाला चुनाव रहा है, तो इस चुनाव में भी मुझे लगता है कि वो स्थिति बदलने वाली नहीं है। थोड़े बहुत एक दो सीटों का अंतर हो जाए, मान लीजिए कांग्रेस छिंदवाड़ा जीत जाती है, तो वो कांग्रेस की जीत नहीं होगी, कमलनाथ की जीत होगी। और यदि वो सीट बीजेपी के हाथ में चली जाती है तो वो कांग्रेस की हार न होकर कमलनाथ की हार होगी। मोटे तौर पर ये पूरा जो एक झुकाव जो है चुनाव परिणाम का, वो बीजेपी के पक्ष में पूरी तौर पर बना हुआ दिखता है। ये जो आप देख रहे हैं कि सारी चीजों पर हमने डिस्कशन किए, जो प्रमुख मुद्दे जो निकल कर आ रहे हैं उनमें ईवीएम का मुद्दा हो, इंदौर का एपिसोड हो या फिर पन्ना का एपिसोड हो, लेकिन मतदान का प्रतिशत घटना और उसके बाद चुनाव परिणाम में अब थोड़े दिन बचे हैं। जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि आखिरकार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों के लिए जो चुनाव के नतीजों का ऊंट है वो किस करवट बैठता है। ऐसा ही एक एपिसोड लेकर एक बार फिर से हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।